चिराग सेठी जी की भी बात सुन लेते हैं, क्यों कांग्रेस के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा व्यवहार कर रहा था तो इस गठबंधन का हिस्सा ही क्यों बने थे, या भाजपा की मदद करने के लिए आप आए थे, अब संगठन में बैठकर गठबंधन में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो चिराग जी थोड़ा बताइए ना, चाह क्या रहे हैं आप लोग? नमस्कार हिमांशु जी, ये जो हो रहा है, हम तो क्या, हम तो आज भी गठबंधन का पार्ट है। जो संदीप जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसमें भी उनका साथ यही था कि हम चुनाव तो साथ लड़ना चाहते हैं, पर अब समय कम है, कांग्रेस को समय के हिसाब से मीटिंग्स करनी पड़ेगी, समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज जितना समय रह गया है लोकसभा की तैयारी के लिए उतना समय कम है जी। सीटों का कहीं ना कहीं आकलन करना और सीटों को डिसाइड करके उस पर काम शुरू करना वो सब पार्टियां चाहती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो तृणमूल हो, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी वो समय बर्बाद करे इस समय पे। तो इसी के लिए हमने एक प्रपोजल दे दिया, क्योंकि मीटिंग हो नहीं पा रही थी 8 जनवरी 12 जनवरी के बाद, हमने बोल दिया हम लड़ना तो साथ ही चाहते हैं, पर हमारी तरफ से ये प्रपोजल है, आप मीटिंग रख लीजिए, हम आ जाएंगे, हम डिसाइड कर लेंगे। अब आप देखिए कहीं ना कहीं हम तो डिस्कशन फिर भी कर रहे हैं, एक नारा लगा है 400 पार का जी। बात सोचिए पिछली बार एनडीए को सीटें मिली 353, अगर अब जो दल छोड़ के चलेगा छोड़ दे उन्हें 325 जी, बोलते हम करेंगे 370 पार, मतलब इस बार भी जो इनके गठबंधन के दल है उनको कोई सीटें मिलने नहीं वाली। मोदी जी कह रहे हैं जो है मैं पेट भरूंगा, 370 तो मेरी, क्योंकि 25 तो पिछली बार भी आपकी थी, अब कह रहे हैं कि आप 2-4 सीटें और जीत जाओगे। तो मोदी जी ने तो कर लिया अपना काम कि मैं तो कर रहा हूं, अब जिसको आना है आओ, नहीं आना मत आओ। तो यहां तो डिस्कशन ही नहीं है, यहां तो बोल ही दिया कि मैं नहीं दूंगा सीटें, हम कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव डिस्कशन पे हैं, कहीं ना कहीं बात निकलेगी। आज डिस्कशन हो रहे हैं, दो मीटिंग हो चुके हैं।